ठीक है, अपन आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। किसका? स्प्लिटिंग वाटर का स्प्लिटिंग। आपको अगर याद हो लास्ट क्लास में ना मैंने आपको ये पूरा बताया था, हमने स्टार्ट किया था फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं। बेसिकली फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में मैंने आपको देखो कुछ फेजेस बताए थे कि लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का स्प्लिटिंग होता है, ऑक्सीजन का रिलीज होता है और एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है। यही प्रोसेस मैंने आपको बताया था। इसके साथ साथ जब मैंने आपको बताया था तो मैंने यहीं पे आपको एलएचसी एक्सप्लेन कर दिया था, और साथ ही साथ एलएचसी में कुछ होते हैं दैट हमारी एग्जैक्ट स्कीम होती है, जिसके अंदर आपके दो फोटो सिस्टम होते हैं, एक फोटो सिस्टम टू और एक फर्स्ट। तो पहले फोटो सिस्टम टू होता है, फिर फर्स्ट होता है। इसका अरेंजमेंट हमने देख लिया था, इसके अंदर एलएचसी होता है और एलएचसी कैसा होता है ये हम देख चुके थे। ठीक है, तो आज जो है हम वो ये देखने वाले हैं कि यहाँ पे ये जो रिएक्शन मैंने आपको बताई थी ना, ये जो मैंने रिएक्शन यहाँ पे बना रखी है, इसके अंदर बेसिकली एंड प्रोडक्ट क्या है? एक एनएडीपीएच बन रहा है और एक एटीपी हमारा बनता है। लाइट रिएक्शन में यही होता है ना, देखो एक यहाँ पे एटीपी बन रहा है और एक एनएडीपीएच बन रहा है। लास्ट क्लास में मैंने आपको यही बताया था, हाँ के ना? यस मैम। तो यार आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ ना, वो मैं यही बताने जा रही हूँ। ये तो इट्स लाइक समरी थी। क्या थी? समरी थी कि फोटो सिस्टम टू होता है, फोटो सिस्टम वन होता है, यहाँ से एलएचसी पे वो लाइट पड़ती है, फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है, फिर वो इधर पास ऑन होता है, फिर फोटो सिस्टम वन पे जाता है और फिर हमारे एटीपी बनता है और एनएडीपीएच बनता है। ये हमें पता है, पर ये एग्जैक्टली ये ऊपर ऊपर से हो गया। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यही आप देख रहे हो, यहाँ पे एक वाटर दिख रहा है, आपको दिख रहा है ये वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो वाटर है वो क्या होता है, टूटता है, लाइसिस ऑफ वाटर। देख रहे हो यहाँ पे H2O विल कन्वर्ट इनटू टू इलेक्ट्रॉन, टू फोटोन, प्रोटॉन और एक ऑक्सीजन, हाँ के ना? यस मैम। यस, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो एलएचसी को मिल रहा है वो यहाँ से पास ऑन होके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है। जो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन साइड ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसका बना होता है? साइटोक्रोम का। याद है मैंने आपको बताया था साइटोक्रोम का बनता है, है ना? फिर यहाँ से ईटीएस से एलएचसी पे आता है, फिर यहाँ पे फोटोन का फोटोन आते हैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के। कौन सी वेवलेंथ के? 700 नैनोमीटर के। तो इलेक्ट्रॉन वापस एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते हैं, फिर एनएडीपीएच बनता है। याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. ठीक है, तो अब ना इसको शुरू करते हैं हम। मैंने आपको जैसा कि बताया स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर, तो यार क्या होता है, जो रिएक्शन है बेसिकली उसके अंदर सबसे पहले क्या हो रहा है, जो वॉटर है वो आप देख पा रहे हो कि वो टूटता है। तो वो कैसे टूटता है? इस रिएक्शन के इसमें टूटता है कि चार इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, चार प्रोटॉन रिलीज होते हैं और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाता है जो हम इनहेल करते हैं। और ये जो चार फोटोन है और जो चार इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस कराने में आगे हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे दो टर्म आते हैं, एक साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, या फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पे फोटो फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन। फोटो मतलब होता है लाइट और फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? फॉस्फोराइलेशन मतलब होता है, किसी ने शायद मेरे से लास्ट क्लास में भी पूछा था मैम व्हाट इज फोटो फॉस्फोराइलेशन, शायद पूछा था ना किसी ने? मैम फॉस्फो ऑक्सीडेशन पूछा था। ठीक है, फोटो ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो देखो फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है प्रोसेस थ्रू विच एटीपी, एटीपी क्या है, एनर्जी, जिससे हमारी एटीपी इज फॉर्म्ड। किससे बनती है एटीपी हमारे? मैंने आपको बताया था एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलके हमारी क्या बनती है, एटीपी। तो जैसे हमने पिछली वाली रिएक्शन में भी देखा था, तो जो पूरा लाइट रिएक्शन में होता है ना, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके जो हमारा एटीपी बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ
लाइट, सोलर एनर्जी, जब उस पर फोटोन पड़ते हैं, ये जो पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा था अभी, जेड स्कीम पढ़ी थी, ये पूरी स्कीम को ही हम क्या बोलते हैं, ये फोटोफॉस्फोराइलेशन है. इज दैट क्लियर? तो अब फोटोफॉस्फोराइलेशन है ना जो अभी हमने देखा है, ये अभी जो हमने देखा था दिस, ये जो अभी तक पूरा हमने देखा है, ये फोटोफॉस्फोराइलेशन. पर ये दो तरीके से होता है, एक होता है नॉन साइक्लिक और एक होता है साइक्लिक. नॉन साइक्लिक जो साइकिल में नहीं चल रहा है, और साइक्लिक जो कंटिन्यूस साइकिल में चल रहा है. तो किसी को आइडिया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक? देखो यही वाला हमने पुराना देखा था, लाइट हमारे पड़ती है एलएचसी पे फोटोसिस्टम टू की, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे पास होते हैं, फिर हमारे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके एटीपी बनाते हैं. ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये ईटीएस में ट्रांसपोर्ट होके एलएचसी में जाते हैं, एलएचसी से वापस फोटोसिस्टम वन के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में जाते हैं, और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन कंबाइन होके एच प्लस कंबाइन होके एनएडीपीएच बनाते हैं. यही हमने अभी तक देखा था, जिसको हमने जेड स्कीम कहा था. हाँ के ना? यस मैम. तो ये जो जेड स्कीम है इसको हम बोलते हैं, बताओ ये आपको साइक्लिक दिख रहा है या नॉन साइक्लिक दिख रहा है? ये है बेटा नॉन साइक्लिक. कुछ भी साइकिल में नहीं होना ना. साइक्लिक मतलब क्या होता है, एक चीज यहां से शुरू हुई वापस लौट के वहीं पे आ गई और वो प्रोसेस वापस शुरू हो गया. नॉन साइक्लिक मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये तो कुछ ऐसा बना है, जेड बना है. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं नॉन साइक्लिक. क्या कहते हैं? नॉन साइक्लिक. तो नॉन साइक्लिक में क्या होता है, फोटोसिस्टम टू और फोटोसिस्टम वन दोनों इन्वॉल्व होते हैं. इलेक्ट्रॉन एक बार यहां से निकल गया, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, पर क्या इलेक्ट्रॉन वापस इसके पास आ रहा है यहाँ पे? नहीं आ रहा. तो साइकिल नहीं चल रही है, तो इलेक्ट्रॉन वापस रिसाइकिल नहीं होते. इसके अंदर एटीपी और एनएडीपीएच दोनों बनते हैं, ठीक है, समझ पड़ी बात? और इसके अंदर जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? ऑक्सीजन. ये देखो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन, जो मैंने आपको बताया था वाटर का हाइड्रोलाइसिस. तो ये किसके बारे में हो गया? ये हो गया हमारा नॉन साइक्लिक. नॉन साइक्लिक क्लियर है? यस मैम. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? साइक्लिक. किसके बारे में? साइक्लिक. इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम वन होता है. जैसे यहाँ पे फोटोसिस्टम टू प्रेजेंट था ना नॉन साइक्लिक में, यहाँ पे फोटोसिस्टम टू होता ही नहीं है. और क्योंकि फोटोसिस्टम टू नहीं होता तो यहाँ पे देखो क्या होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट जेड स्कीम में क्या बताया, यहाँ पे 618 नैनोमीटर का लाइट पड़ता है एलएचसी फोटोसिस्टम टू के, तब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं. यहाँ पे 700 नैनोमीटर का लाइट पड़ता है तब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं. यहाँ पे डायरेक्टली क्या होता है, लाइट पड़ती है फोटोसिस्टम टू में, 700 नैनोमीटर पे आके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ईटीएस के पास जाते हैं, और वापस इलेक्ट्रॉन इसी के पास आ जाते हैं क्लोरोफिल के पास, फिर वापस यहाँ पे आते हैं, और ये साइकिल सर्किल में चलती जाती है, ऐसे करके चलती जाती है, रिवर्स होती जाती है. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से शुरू हुआ फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर वापस ऐसे ऐसे, ये नहीं चलता. ये पूरा प्रोसेस क्या है? साइक्लिक प्रोसेस है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फोटोसिस्टम इन्वॉल्व है. ठीक है, मैम जो साइक्लिक प्रोसेस है वो कभी एंड भी नहीं होता होगा? नहीं बेटा, कैसे होगा एंड? बिल्कुल नहीं होता है. ठीक है, खाना हमेशा बनता रहता है. जैसे हम खाना खाते रहते हैं तो उनका भी खाना कंज्यूम होता रहता है, वो बनता रहता है. ठीक है, यस मैम. चलो अब इसके अंदर बाय प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बाय प्रोडक्ट, पहले ये बताओ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या क्या बन रहा था? ऑक्सीजन. और कोई दो चीजें और बनी थी, एक एटीपी बन रहा था और एक एनएडीपीएच बन रहा था. यहाँ पे क्या बन रहा है? एटीपी बन रहा है बस. क्या यहाँ पे एनएडीपीएच बन रहा है? नो मैम, यहाँ पे एनएडीपीएच नहीं बनता. इज दैट क्लियर? क्या यहाँ पे वॉटर का स्प्लिटिंग हो रहा है? नहीं हो रहा. क्या यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है? तो क्या अब आप साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? यस मैम. किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन?
बोलो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? डिफरेंस इतना है कि बस ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट निकाल के फेंक दो हमारे साइक्लिक वाले में से, वो साइक्लिक हो गया और दोनों पाइप कंबाइन हो गए तो वो हो गया नॉन साइक्लिक। इज दैट क्लियर? यस मैम, यस मैम। ठीक है, अब मुझे बताओ। मैम ये श्रेया, आईपी क्या होता है? क्या? आईपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एडीपी विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, या फिर एटीपी स्प्लिट होके एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाता है, ठीक है? ठीक है, हाँ हाँ श्रेया, मुझे ये बताओ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या हमारे वाटर का स्प्लिटिंग होगा? यस साइक्लिक में होगा? मैम, नॉन साइक्लिक में होगा। व्हाई नैन्सी? ओके ओके ठीक है, वो तुम्हारा है नैन्सी लुकआउट, क्योंकि यार सबसे हार्ड टॉपिक जो है मैं वो कराने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक है फोटोसिंथेसिस में जो किसी को समझ नहीं आता है, नो मैटर व्हाट, ठीक है। बाकी आई वोंट सजेस्ट आज वाला लेक्चर मिस करना, तो आज सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है। चलो ये आई थिंक सबको क्लियर है, तो अब हम शुरू करते हैं कहानी कि यार देखो इसके आगे नॉन साइक्लिक साइक्लिक क्लियर है। अब मैं जो स्टार्ट करने जा रही हूँ वो करने जा रही हूं मैं केमी ऑस्मोटिक, ये रहा आपका साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। अब मैं आपका स्टार्ट करने जा रही हूं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये इस चैप्टर का सबसे 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 ज्यादा हार्ड टॉपिक है, इवन इतना हार्ड कि किसी को समझ नहीं आता है, ठीक है, मतलब बहुत डिफिकल्टी होती है। तो यार इस प्रोसेस को ना थोड़ा आंख कान ना खोल के सुनना, और इसी टॉपिक पे मैं थोड़ा सा टाइम दूंगी, बहुत ज्यादा टाइम दूंगी, ठीक है, बस ये आपको क्लियर होना चाहिए। अभी तक का जो है वो क्लियर होगा तभी ये समझ आएगा। तो अभी तक के में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, नहीं तो मैं केमी हाइपोथेसिस स्टार्ट करने जा रही हूँ। बोलो क्लियर है ये? किसी को कुछ पूछना है? स्टार्ट करूं मैं? यस चलो देखो, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का आपको डायग्राम याद है? क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम में मैंने आपको बताया था सारी रिएक्शन अलग अलग जगह होती है। ये आप, मैं आपको वापस डायग्राम, अच्छा नहीं यहाँ पे नहीं है, तो उसमें मैंने आपको बताया था थायलेकॉइड होता है, थायलेकॉइड में एक अलग रिएक्शन होती है, स्ट्रोमा में अलग रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन जो होती है वो थायलेकॉइड में होती है, और जो डार्क रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा में होती है। याद आ रही है आपको मैंने बताया था? यस ठीक, मैम, तो हम लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब हम ये देख रहे हैं, मैंने आपको बहुत फालतू की कहानियां बता दी, फोटोसिस्टम 2 फोटोसिस्टम 1 ये सब मिलके लाइट रिएक्शन करते हैं, थाइलेकॉइड में ये करते हैं, तो वो कैसे करते हैं आज हम वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो यार देखो मैं यहाँ पे जो थाइलेकॉइड है उसका बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर सा बना रही हूँ। थाइलेकॉइड कुछ ऐसे ही दिखता है? तो थाइलेकॉइड डबल मेम्ब्रेन होता है, और जिसके अंदर बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और एक अंदर की तरफ होती है जिसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इज दैट क्लियर? मैम चलो अब यहाँ पे जो थाइलेकॉइड है इसके अंदर बेटा क्या होता है, दो इसकी मेम्ब्रेन पे दो फोटोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं। नाम बोलो फोटोसिस्टम कौन कौन से होते हैं? फोटोसिस्टम
टू और फोटो सिस्टम वन, यही मैंने बताया ना आपको इसी सीरीज में प्रेजेंट होता है, पहले फोटो सिस्टम वन और पहले फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट, ऐसे अरेंज से ना भी पीछे देखे थे हमने। यस मैम। और मैंने आपको बोला था जब ये पूरा प्रोसेस चल रहा था तो फोटो सिस्टम टू से इलेक्ट्रॉन जब फोटो सिस्टम वन में पास ऑन होते थे उनके बीच में ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता था जिसमें क्या प्रेजेंट होता था, साइटोक्रोम, जो मैं बार बार नाम ले रही थी, याद आ रहा है आपको? यस मैम। तो वो साइटोक्रोम यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये थाइलेकॉइड का जो इन अंदर का जो बीच का स्पेस होता है इसको हम ल्यूमेन बोलते हैं, और ऑब्वियस थाइलेकॉइड का जो बाहर का मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो बचता है उसको हम स्ट्रोमा ही तो कहते हैं, हाँ के ना, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा क्या होता है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है F0 F1, ठीक है, चलो ये मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस करवाने में दो एंजाइम का रिक्वायरमेंट होता है, एक एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, ठीक है, बाहर की तरफ लेट से यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, और उस एंजाइम का नाम होता है NADH रिडक्टेज, जो कन्वर्ट करता है NADP को NADPH में। अभी देखा ना फोटोसिस्टम वन में हमारा NADP कन्वर्ट होता है NADPH में, अभी देखा था ना पीछे। अब फोटोसिस्टम टू है, फोटोसिस्टम टू में चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले कोई भी प्रोसेस करवाना है, लेट से हमारा मेन एम क्या है, हमारा मेन एम यही है ना, एक हमें ATP बनाना है और एक हमें NADPH बनाना है, लाइट रिएक्शन में हमें ये दो ही काम करना है इवेंचुअली, ये कहानी हम इसीलिए पढ़ रहे हैं। तो ये NADPH कैसे बन रहा है और ATP कैसे बन रहा है यही हम इस चैप्टर में, इस जो है लेक्चर में देखने वाले हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि यार देखो आपने कभी सुना है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बारे में? देखो क्या होता है, NADPH बनाने के लिए और ATP बनाने के लिए आपको एक एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, किसका रिक्वायरमेंट होगा, एक एनर्जी का, एनर्जी ऐसे ही तो ही नहीं आ जाएगी। तो एनर्जी कैसे आती है हमारा, अगर हम कोई भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसके ल्यूमेन और आउटर स्पेस के बीच में करना क्रिएट कर दे, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब एक तरफ बहुत ज्यादा चीज है और एक तरफ कम चीज है, तो क्या कोई भी चीज ज्यादा से पास की जो कम वाली चीज है उधर पास ऑन होती है, जैसे अपन ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन में पढ़ते हैं कि लेट से एक मेम्ब्रेन है यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है और यहाँ पे बहुत कम है, तो स्पेस जब खुलती है तो सारे यहाँ पे इस डायरेक्शन में पास ऑन होंगे। yes, तो ये क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाते हैं, यानी कि कोई भी चीज है हाई से लो की तरफ ट्रेवल करती है, किसकी तरफ, हाई से लो की तरफ ट्रेवल करती है और क्या क्रिएट करती है, एनर्जी क्रिएट करती है। इज दैट क्लियर? अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, सन प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, सन प्रेजेंट होता है। सन सबसे पहले लाइट हमारे डालता है फोटोसिस्टम टू पे, और फोटोसिस्टम टू पे हमारे कौन से नैनोमीटर का लाइट चाहिए होता है, 680 नैनोमीटर का लाइट चाहिए होता है। अब जैसे ही उस पे 680 नैनोमीटर का लाइट पड़ता है उसमें से क्या रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। वहीं पे मैंने आपको बताया फोटोसिस्टम टू पे हमारा क्या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, यस यस, यही पे मैंने लिखा था ना, दो हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन, यस मैम। तो देखो यहाँ पे जब ये हो रहा है प्रोसेस तो जो इलेक्ट्रॉन है ये बेटा क्या है, ये इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था पास ऑन किसके अंदर होते हैं, ETS, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो का हमारा साइटोक्रोम है उसमें पास ऑन होते हैं, हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मैंने आपको बताया था चेन में, यस मैम, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे पास ऑन हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बने ये तो पास ऑन हो गए, और हाइड्रोजन जो है वो यहीं पे ल्यूमन में एक्यूमुलेट होते जाते हैं बहुत सारे, ठीक है, ल्यूमन में एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं अभी हमारे हाइड्रोजन, समझ पड़ रही है बात। और ये जो इलेक्ट्रॉन है
ये हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में पास ऑन होते जा रहे हैं. इज दैट क्लियर? यस मैम. अब क्वेश्चन ये है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, ऑक्सीजन ही तो रिलीज करते हैं हमारे प्लांट्स. मैम जैसे हाइड्रोजन पहले स्टोर हो रहा है, ऑक्सीजन डायरेक्ट बनता है और रिलीज हो जाता है. हाँ ठीक है. यस मैम. अब देखो मेरी बात, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है सीधा यहाँ पे नहीं आता है, वो क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन का स्प्लिटिंग हुआ है ना, तो बेटा ये PS2 से ऐसे करके जाता है साइटोक्रोम के पास, और ये साइटोक्रोम से यहाँ पे आके इस सीरीज में आके यहाँ पे अंदर की तरफ हाइड्रोजन एक्यूमुलेट होता है. ठीक है, इस पाथवे से हाइड्रोजन एक्यूमुलेट हो रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पास ऑन हो रहा है. ठीक है. ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे PS1 के पास जाता है. आपको याद है ना, मैंने आपको बोला था पहले अपहिल जाता है, फिर डाउनहिल जाता है, फिर वापस PS1 के पास इलेक्ट्रॉन पास ऑन होता है. तो कहां से रिपीट करना है मैम? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हमने कहा पढ़ा था, सन से पहले लाइट पड़ती है हमारे PS2 से, PS2 से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है. क्यों? क्योंकि हमारा वाटर स्प्लिट हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले किसके पास जाएगा? साइटोक्रोम के पास. साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन हमारे PS1 पे आता है. अभी तक हमने यही पढ़ा है. यस मैम. अब PS1 के पास इलेक्ट्रॉन आ चुका है, यहीं पे हमारा वापस जो सन का रेडिएशन है वो पड़ता है कौन से नैनोमीटर का? 700 नैनोमीटर का. तो ये रेडिएशन वापस इसको एक्साइटेड करता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा आगे जाके बताओ? क्या करेगा बताओ बताओ? कहीं ना कहीं हमारी NADPH वगैरह बनाने में हेल्प करेगा ना. हम सब क्यों करवा रहे हैं, एक ATP और NADPH ही तो बनवाना है हमें. यस मैम. ठीक है, तो यहाँ तक अभी रुको. अभी हमने देखो लास्ट अभी जो लेक्चर थे उसके अंदर हमने यही पढ़ा था, फिर से देख लो. लाइट आया, फोटोसिस्टम 2 के पास गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये ETS पे हमारे ATP बन रहा है, फिर वापस फोटोसिस्टम के पास गया, और फिर NADPH. यही कहानी मैंने आपको यहाँ पे बताई है, ये कहानी यहाँ पे देख लो. ठीक है, समझ आ गया? यस मैम. आगे बढ़ो. यस मैम. यस मैम. अब यहाँ पे क्या हो चुका है, बहुत सारा हाइड्रोजन एक्यूमुलेट हो चुका है, और बाहर की तरफ हाइड्रोजन है ही नहीं. यहाँ पे जो आउटर स्पेस है यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, अंदर बहुत सारा हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से यहाँ पे pH भी क्या हो चुका है, कम हो चुका है, और यहाँ पे pH क्या है, ज्यादा है. तो अब देखो क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है. तो क्या यहाँ पे टेंडेंसी है, यहाँ पे हाई पोटेंशियल है और यहाँ पे लो पोटेंशियल है, कि कोई भी चीज यहाँ से यहाँ जाएगी, जो चीज हायर है वो हायर से लो की तरफ जाने की टेंडेंसी रखेगी. Yes, ma'am. तो अब ये हाइड्रोजन क्या ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोजन हो चुके हैं, तो ये हाइड्रोजन ट्राई करेंगे यहाँ से यहाँ बाहर आने का. कहाँ पे? आउटर स्ट्रोमा की तरफ. कहाँ पे? आउटर मेम्ब्रेन के बाहर जाने का, थायरॉइड के यानी कि स्ट्रोमा में जाने का. तो क्या होता है, एक एंजाइम आता है जिसको हम बोलते हैं ATP सिंथेज. कौन सा एंजाइम बोलते हैं? ATP सिंथेज. बेटा यहाँ पे क्या होता है, एक आपको ये दिख रहा है एक सब्सटेंस, यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक F0 एक F1. F0 हमारे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में है और F1 आउटर मेम्ब्रेन में है, ये हमें दिख रहा है. तो बेटा क्या होता है, ATP सिंथेस क्या करवाता है, यहाँ से इसको ओपन करता है, F0 में थोड़े से चेंजेस आते हैं इसके स्ट्रक्चर में, और ये क्या करता है, हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या करता है बेटा, बाहर लाता है. क्या करता है? हाइड्रोजन को बाहर लेकर आता है, और उसके बदले में क्या करता है, P0 और ADP विल फॉर्म द ATP. क्या बना देते हैं? ATP बना देते हैं. जब यहां से बाहर हाइड्रोजन निकल रहा है ना, तो वो उस दौरान क्या फॉर्मेशन कर देते हैं, ATP का फॉर्मेशन कर देते हैं. इज दैट क्लियर? वही ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे आए हैं, क्या काम है, मैंने क्यों बुलाया बाहर हाइड्रोजन? हाइड्रोजन बुलाते वक्त एक ATP का फॉर्मेशन तो हो गया,
साथ ही ये हाइड्रोजन यहाँ पे पास ऑन होते हैं। और देखा यहाँ पे पास ऑन हुए तो NADPH में हाइड्रोजन जुड़ गया, तो क्या NADPH का फॉर्मेशन हो गया? यस मैम हो गया। तो यहाँ पे NADPH का भी फॉर्मेशन हो चुका है। इज दैट क्लियर? यस। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? तो देखो मैं इस टॉपिक को एक बार, क्योंकि आप लोगों को ये समझ आ चुका है, मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, सो दैट अब आपका एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन हो जाएगा। थोड़ा आप भी अब साथ में बोलते जाना। ये क्या है जो मैं बना रही हूँ सबसे पहले? आउटर मेम्ब्रेन। ये है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थायलाकॉइड। थायलाकॉइड ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन। ये है इनर मेम्ब्रेन। और ये इसके बीच में क्या है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी कि इन दोनों के बीच की स्पेस है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा फोटो सिस्टम प्रेजेंट है? फोटो सिस्टम टू। और यहाँ पे फोटो सिस्टम फाइव। इसके बीच में कौन क्या प्रेजेंट है? साइटोक्रोम BNF। साइटोक्रोम के नाम होते हैं, काफी तरह के साइटोक्रोम होते हैं, अपन आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो साइटोक्रोम प्रेजेंट है वो है BNF। क्या है साइटोक्रोम? BNF, ये याद रखना। ठीक है, अब जैसे कि सबसे पहले कहानी जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है सन। सन जैसे ही यहाँ पे कौन से नैनोमीटर का लाइट डालता है? 680 नैनोमीटर का। तो यहाँ पे क्या होता है? वाटर स्प्लिट होता है और क्या बनाता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बनाता है, इलेक्ट्रॉन बनाता है, और ऑक्सीजन बनाता है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये बेटा, चलो सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं। ये हाइड्रोजन जो बेसिकली है साइटोक्रोम के थ्रू ऐसे आके यहाँ पे एक्यूमुलेट होते जाते हैं, होते जा रहे हैं यहीं पे एक्यूमुलेट की यहीं पे रहेंगे। ठीक है? Yes, ma'am. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बेटा जो PS2 है ये इलेक्ट्रॉन को मतलब बेसिकली क्या करता है? सीधा साइटोक्रोम विच इज किसको हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं ना, हमने पिछले मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किसको पास ऑन करता है इलेक्ट्रॉन? PS1 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं मेन जो PS1 है उधर हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम को कहते हैं ना? क्या बेटा? हाँ, साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक बहुत बड़ा सिस्टम है, तो वो भी सिस्टम हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे NADP will convert into NADPH, वो कैसे होगा वो भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं और यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन एक्यूमुलेट हो चुके हैं। अब क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोजन एक्यूमुलेट है और यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन एक्यूमुलेट नहीं है, तो इनकी टेंडेंसी होगी कि यही यहाँ से यहाँ पे पास ऑन हो। और हमें फायदा ये होगा जब ये हाई से लो की तरफ पास ऑन होंगे तो ये क्या करेंगे? एनर्जी क्रिएट करेंगे, और एनर्जी का दूसरा क्या नाम है? एटीपी, है कि नहीं? तो जैसे ही एटीपी क्रिएट करेंगे हमें तो मेन एटीपी ही चाहिए। तो यहाँ पे एक होता है एफ नॉट और एक होता है F1। ठीक है, तो अब देखो बेटा क्या होता है यहाँ पे, जैसे ही ये यहाँ पे आते हैं ये यहाँ से F नॉट में स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। F नॉट में स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, F1 को ये ओपन करेगा। F1 को जैसे ही ओपन करेगा तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस ADP विल कंबाइन एंड विल फॉर्म द फॉर्मेशन ऑफ ATP। और यहाँ पे हमारे क्या बन गए? हाइड्रोजन रिलीज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाइड्रोजन रिलीज। आप ये देख रहे होंगे मैं बार बार जब भी लिख रही हूँ ये 2 हाइड्रोजन लिख रही हूँ, ये याद रखना। ये आगे हम देखेंगे कि हर एक प्रोसेस में 2 हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं। 2 हाइड्रोजन देख पा रहे हो आप यहाँ पे? यस मैम। अब ये प्रोसेस एटीपी का बनने में किसने हेल्प की साथ में? एटीपी सिंथेस ने, एटीपी सिंथेसिस एंजाइम। ठीक है, अब
ये जो हाइड्रोजन बना है ये खाली पीली, देखो एटीपी तो बन गया, हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट बन गया, पर बाहर जो हाइड्रोजन आया इसको हम काम में लेते हैं और ये जाता है और किससे कंबाइन होता है, एनएडीपीएच से, और विल फॉर्म द फॉर्मेशन ऑफ एनएडीपीएच। एनएडीपी में जब एच जुड़ता है तो वो बन जाता है एनएडीपीएच, जो कि हमारा सेकेंड प्रोडक्ट है। समझ पड़ी बात? Yes, ma'am. तो क्या आपको केमी सिंथेटिक, बस यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो क्या आपको ये समझ आ गया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, नो वरीज। बोलो बिंदास, बोलो अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। N1 F1 में प्रेजेंट होता है क्या? क्या ATP सिंथेसिस F1 में प्रोसेस में हेल्प करता है? हाँ, ये जो पूरा हाइड्रोजन को बाहर लाना है ना, हमें ल्यूमन से स्ट्रोमा में लेकर आना है ना हमारे को हाइड्रोजन को, तो एटीपी सिंथेसिस वही करते हैं, और जब ये प्रोसेस चल रहा होता है उस दौरान क्या होता है, हमारा एटीपी बन जाता है। सिंथेसिस मतलब क्या होता है, सिंथेस बनना, और एटीपी सिंथेसिस है मतलब क्या करेंगे, एटीपी बनवाएंगे। ठीक है? यस मैम। अब आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको ये भी बताया था, कोई चीज जब हाइड्रोजन ऐड होगी तो वो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा? रिडक्शन होगा। तो ये देखो, ये जो प्रोसेस है ना, ये सेकंड वाला जब एनएडीपी बन रहा है, यहाँ पे भी ऑब्वियस इस ये भी कोई एंजाइम की मदद से होगा, तो यहाँ पे जो एंजाइम होता है उसको हम बोलते हैं एनएडीपीएच रिडक्टेज। क्या बोलते हैं? एनएडीपीएच रिडक्टेज, यानी एनएडीपी का रिडक्शन हुआ है, क्योंकि इसमें क्या ऐड हुआ है, प्रोटॉन विच इज हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये याद रखना, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये इज दैट क्लियर? यस मैम। तो क्या हमारे लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट बन चुके हैं, एक एनएडीपीएच भी बन चुका है और एटीपी, और हमारा एटीपी भी बन चुका है? Yes, ma'am. अब तो हमारा बायोसिंथेटिक फेज चालू होगा ना, एटीपी और एनएडीपीएच को लेके अब फोटोसिंथेसिस का काम चलेगा, खाना बनाने का काम चलेगा, वो हम देखेंगे। सबसे पहले अब मुझे यहाँ पे बताओ, मैंने चलो आपको डायग्राम से समझा दिया, अब मैं इस बेसिकली रिएक्शन को ना कंक्लूड करना चाहूंगी। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहले कुछ स्टेप्स है, पहले में हुआ स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल, हुआ था स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल? यस मैम। अब स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल कौन से साइड में हुआ था, थाइलेकोइड के इनर साइड में या आउटर साइड में? इनर साइड में। इनर साइड में। वेरी गुड, जगह याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हुआ था इनर साइड में। उसके अंदर क्या हुआ था, जो प्रोटॉन्स थे, प्रोटॉन्स बोल दो या फिर हाइड्रोजन आयंस बोल दो, वो किसमें एक्यूमुलेट हुए थे, ल्यूमेन में एक्यूमुलेट हुए थे। देखो ये ल्यूमेन में एक्यूमुलेट हो गए जब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ है। यस मैम। यस मैम। सेकंड स्टेप क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है। यस मैम। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किसकी मदद से हुआ है, साइटोक्रोम बी एंड एफ की मदद से, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन एंड ट्रांसपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही कहते हैं हम। ठीक है, इसकी वजह से हमारे अंदर क्या होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है। क्या होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है। अगर यही नहीं होगा साइटोक्रोम, तो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन एक्यूमुलेट होंगे बहुत सारे, तो क्या हमारा साइटोक्रोम रोल प्ले करता है हमारा प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करने में? यस मैम। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या हो रहा है यहाँ पे, खुद बताओ आपको, यहाँ पे हो रहा है एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम जो है, क्या है, एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम जो है वो क्या कर देगा, एनएडीपी को कन्वर्ट कर देगा एनएडीपीएच में। इज दैट क्लियर? यस मैम।
साथ ही साथ जब ये होगा एक और चीज होगी एटीपी सिंथेस की मदद से हम क्या करेंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एडीपी विल कन्वर्ट इनटू एटीपी. ये दो ही बाय प्रोडक्ट बनते हैं हमारे, एक ये और एक ये, यही बनते हैं हमारे. यस मैम. तो क्या आपने कंक्लूड सॉरी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐसे नहीं लिखते, आई छोटा होता है, मैम मैम ये मतलब जैसे होता है ये क्रोमोसोम बी एंड एफ क्लोरोफिल ए एंड बी, मैम ये उसमें भी था बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में, तो मैम ये क्लोरोफिल ए एंड बी इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं या फिर मैम ये कोई वो होता है क्लोरोफिल? ये तो बेटा साइटोक्रोम है, ये क्लोरोफिल थोड़ी है. नो मैम जैसे कि इसमें लिखा ना क्रोमोसोम बी एंड एफ, तो मैम मतलब बी अलग होता होगा कोई क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ये साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम सॉरी हाँ नहीं इसका नाम ही यही है बी एन एफ. और मैम जैसे लिखा होता है ना क्लोरोफिल ए एंड बी, तो मैम उनका मतलब क्या होता है बेटा? वो तो पिगमेंट होते हैं ना क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए कोई और पिगमेंट और बी कोई और. बेटा ये साइटोक्रोम है, ये साइटोक्रोम है, ये एक सिस्टम है. देखो सबसे पहले कोई मुझे बताएगा व्हाट इज क्लोरोफिल? पहले तो मुझे बताओ व्हाट इज क्लोरोफिल? मैम क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प करते हैं. और वो किस में प्रेजेंट होता है? लीव्स, क्लोरोप्लास्ट में. क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिलिक पिगमेंट होता है जो कलर प्रोवाइड करता है ना, ये ऑरेंज ग्रीन रेडिश येलो ये करता है. अब वो रोल अलग है क्लोरोफिल का, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं खाना कैसे बनता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर. तो वो ये जो कहानी है ना, ये कहानी के अंदर ये थाइलेकॉइड होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर. मैंने आपको बताया था क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर याद है आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट का कि नहीं याद है? याद है किसी को? ऐसा करके क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर ये थाइलेकॉइड्स होते हैं, इसको ग्रेना कहते हैं, ये आपस में जुड़े होते हैं ऐसे ऐसे करके. याद आ रहा है कुछ? यस मैम. क्लोरोकॉइड मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. यस मैम. और मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. अभी क्लियर है? यस मैम. ठीक है. तो ये होता है ग्रेना, सबको मिला के बोलते हैं थाइलेकॉइड होते हैं, इसको हम ल्यूमेन बोलते हैं, सॉरी ल्यूमेन होता है ये स्ट्रोमा होता है. याद आ रहा है ऐसा कुछ? यस मैम. बेटा हमने अभी जो स्टडी किया वो क्या, एक ये जो स्ट्रक्चर है थाइलेकॉइड, इसी को स्टडी किया विजुअलाइज करके, जो मैंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया था वो हमने कुछ स्टडी किया. yes, इस थाइलेकॉइड में एक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम. ये एक सिस्टम होता है. तो साइटोक्रोम इज अलग चीज और क्लोरोफिल एक अलग चीज, ठीक है? और जो साइटोक्रोम है वो बहुत टाइप के होते हैं, 5 तरीके के होते हैं, वो पूरा हम पढ़ेंगे. तो उसमें से एक साइटोक्रोम बी एंड एफ होता है, हमने ये पूरा नाम है साइटोक्रोम बी एन एफ, तो ये उसका नाम है जिसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है. समझे? समझे कि नहीं समझे? किसने क्वेश्चन पूछा था ये?
मैम मैंने बेटा समझ आया? यस मैम। किसी को और कोई कंफ्यूजन तो प्लास्टोफोरेनन क्या होता है? क्या प्लास्टोफोरेनन? वो सब आएगा, वो आएगा, प्लास्टो वाला आएगा, वो अभी नहीं है, उसका रोल मैं बांधना था, वो जब ETS पढ़ेंगे ना तब आएगा वो। Okay, ये समझ आया आप लोगों को? इसमें अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बताओ। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे जो ATP बना है, क्या है ATP बना है, हम क्यों बनाया है ATP, क्यों बना है? क्योंकि ये जो ATP बना है ना, ये हाथों हाथ यूज हो जाता है किसके अंदर, बायोसिंथेटिक फेज के अंदर, यानी कि डार्क रिएक्शन के अंदर, जिसके अंदर हमें क्या करवाना है, खाना बनाना है, ठीक है? और खाना बनाने में हम खाना तो बनाएंगे बनाएंगे, साथ ही साथ हम क्या करेंगे, CO2 का फिक्सेशन, यानी कि हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को दी थी ना, वो भी यहाँ पे फिक्स हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ ATP, ठीक है? यस मैम। क्लियर है ये बात सबको? यस मैम। रिएक्शन और डार्क रिएक्शन बिल्कुल एक ही साथ में चलती है ना, साइमल्टेनियसली? साइमल्टेनियसली नहीं बोल सकते, पहले ये होगा बेटा लाइट रिएक्शन, फिर होगा डार्क रिएक्शन, क्योंकि अगर लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट ही नहीं बनेंगे तो डार्क रिएक्शन कैसे होगी? पहले ATP का और NADPH का बनना जरूरी है, और ये दोनों प्रोडक्ट उस फेज में काम में आते हैं, तो पहले ATP और NADPH बनेंगे, फिर ये कहाँ पे काम में आएंगे, ये नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है? जैसे डार्क रिएक्शन को हम ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लैकमैन रिएक्शन, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, कैसे होती है, वो अभी हम देखेंगे, वो बाद की कहानी है, ठीक है? तो ये जो वाटर की स्प्लिटिंग हुई है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पे वाटर का रिलीज हुआ है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. जैसे आपने मेरे से पूछा था मैम फोटोसाइनिन क्या होता है, तो ये बेटा यहाँ पे कुछ ऐसे करके प्रेजेंट होता है फोटोसाइनिन, तो ये एक्चुअली क्या है, यहाँ से यहाँ पे मैंने आपको बोला ना ETS है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में सिस्टम में मैंने भी आपको ऊपर ऊपर से बताया है कि PS2 से साइटोक्रोम में जाएगा, साइटोक्रोम से PS1 में जाएगा, ये ऐसे डायरेक्ट नहीं जाता है, ये बहुत एक डीप स्ट्रक्चर है, बहुत हार्ड सी थ्योरी है, जिसके अंदर बहुत सारे साइटोक्रोम आते हैं, फोटोसाइनिन आता है, ये मैं आपको ETS में बताऊंगी, ठीक है? Yes, तो ये वाली कहानी है, तो आप देख लो इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, अगर ये समझ आ गया है तो ये सबसे 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 ज्यादा हार्ड वाला टॉपिक था आपका फोटोसिंथेसिस का, अगर ये समझ आ गया तो ये समझ लो आपको कुछ भी समझ आ सकता, ठीक है? समझ आया है? Yes, ma'am. मैं सच्ची बताऊं तो मैं जब पढ़ रही थी फोटोसिंथेसिस, मुझे तो उसका कभी नहीं आया, मैंने तो जब नीट दिया था मुझे तो तब भी समझ नहीं आया था, फिर मैंने जब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया ना, ये एक्चुअली मुझे तब समझ आया था, तो आई थिंक आप ये गलती ना करो, आप लोगों को अभी ये समझ आ जाए तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है ना? Yes, ma'am. मुझे बताओ, रिंकी, NADP, नहीं एक सेकेंड रुको, रिंकी आप मुझे ये बताओ कि जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है वो किस तरफ होता है? आउटर साइड होता है या इनर साइड होता है? मैम इनर साइड। अरे रिंकी से पूछा है मैंने। मैम रिंकी तो लेफ्ट हो चुकी है। बेटा रिंकी यही है, ठीक है? सूक्ष्म सैनी आप मुझे ये बताओ कि फोटो सिस्टम वन को कितने नैनोमीटर का लाइट चाहिए होता है? कितना? अच्छा श्रेया आप मुझे ये बताओ
कि NADPH जब NADPH में कन्वर्ट होता है वो कौन से एंजाइम की वजह से होता है? मैम NADPH रिडक्टेट। हाँ गुड। अच्छा अब आप मुझे बताओ जब एटीपी का फॉर्मेशन होता है तो कौन सी दो चीजें जुड़ती है और एटीपी बनता है? मैम फॉस्फेट और एडीपी बनता। एडीपी जुड़ता है तो एटीपी बनता है। ठीक है अब मुझे ये बताओ इनर साइड से इनर साइड अच्छा नहीं मुस्कान आप मुझे ये बताओ कि जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं? जुबेर मुझे बताओ हाइड्रोजन कहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं? मैम साइटोक्रोमस में। साइटोक्रोम पास करता है। एक्यूमुलेट पूछ रही हूँ मैं। बताओ शिवानी क्या होते हैं? गुड यश। ल्यूमेन में एक्यूमुलेट होते हैं। ठीक है तो यार थोड़ा थोड़ा सा छोटी छोटी सी चीजें हैं इसको ध्यान से पढ़ लेना। आज वाला लेक्चर इम्पोर्टेंट है। अभी तक का कोई भी ऐसा लेक्चर नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं था। अगर ये मिस करते जाओगे तो आप लोगों को दिक्कत आएगी तो मिस नहीं करना है। कृपया करके इसको हाथों हाथ पढ़ते हुए चलना है नहीं तो आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। समझ पड़ रही है बात? यस मैम। तो कृपया करें थोड़ा सा और थोड़ा सा पढ़ना शुरू करें यार ऐसे काम तो नहीं चलेगा। चलो तो आई थिंक आप लोगों को मैम मैंने भी क्या होता है क्या बेटा ETS ETS वही तो मैंने बोला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की जर्नी चल रही है वो एक सिस्टम की वजह से चल रहा है तो वो पूरा सिस्टम पढ़ने वाले हैं हम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मैंने बोल दी ना साइटोक्रोम PS2 से PS1 पे ना ट्रांसफर हो रहा है तो वो पूरा एक सिस्टम है उस सिस्टम को बोलते हैं ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अच्छा कोमल मुझे ये बताओ ऑक्सीडेशन ऑफ जो वाटर है वो कौन से फोटो सिस्टम से एसोसिएटेड है? फोटो सिस्टम टू। गुड। अच्छा अब मुझे ये बताओ जब ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होता है तो क्या क्या बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है? टू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास जाता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास फिर वो ETS के पास चला जाता है। ETS ही बेटा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है मतलब जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करता है? वो साइटोक्रोम BNF। ठीक है तो अब मुझे बताओ साइटोक्रोम BNF के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? फोटो सिस्टम टू वन में। ठीक है अब फोटो सिस्टम वन के पास तो चला गया तो जो हाइड्रोजन था उसका क्या हुआ? मैम वो ल्यूमेन में स्टोर हो जाता है। और कैसे स्टोर होता है किसकी मदद से स्टोर होता है? साइटोक्रोम से। ठीक है तो अगर वहां पे प्रोटॉन एक्यूमुलेट हो गया फिर वो एक्यूमुलेट होके कहां पे जाएगा बाद में? वो स्टोमा में आ जाएगा। कैसे आएगा किसकी मदद से आएगा? F0 और F1 से आता है ATP सिंथेस। ठीक है तो अब जब ये प्रोसेस होगा जब वो F0 F1 से पास ऑन होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? ATP का। ठीक है तो ATP का फॉर्मेशन हो गया है तो अब जब वहां से हाइड्रोजन बाहर आएंगे कितना हाइड्रोजन बाहर आएंगे? 2 हाइड्रोजन। तो अब वो जो 2 हाइड्रोजन बने वो क्या करेंगे? मैम वो NADP से जुड़ेंगे और वो NADPH बनाएंगे। वेरी गुड। अब वो जो NADPH है वो क्या करता है क्या काम है उसका? मैम वो अब डार्क रिएक्शन में फूड बनाने के काम आएगा। और ATP का क्या काम है? मैम वो भी डार्क रिएक्शन में फूड बनाने के काम है। अच्छा तो ये जो NADPH बना है और ये ATP बना है ये किस तरफ बना है? आउटसाइड आउटसाइड द
थायलाकोइड ठीक है, और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कहाँ पे हुआ है? इनसाइड. ठीक है, वेरी गुड कोमल, वेरी गुड, इट्स वेरी नाइस नाइस. मतलब सारे आंसर बहुत सही थे, बहुत एक्यूरेट थे, है ना, इम्प्रेसिव. अच्छा अच्छा ठीक है, तो आप सबको समझ आया जिस तरीके से कोमल को समझ आया वैसे? यस मैम. है ना, तो आई वॉन्ट आंसर दिस लाइक ओनली, इस तरीके से कॉन्फिडेंस से आंसर चाहिए. अगर आपको जैसे कोमल को जिस तरीके से समझ आया, आई होप सबको उसी तरीके से समझ आना चाहिए. और अगर नहीं आया तो आप मुझसे पूछ लिया करो, दो बार तीन बार जितनी बार होगा मैं बताऊंगी. बट समझ जैसे इसको आया है कोमल को, वैसे ही सबको आना चाहिए. ठीक है, और सबसे बड़ी बात, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस इज लाइक सबसे ज्यादा जो टफ होता है, सबसे ज्यादा टफ, कभी समझ नहीं आता. मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. हम जब आकाश में थे, इट्स लाइक 100 ग्रुप का बेस्ट था, उसमें से किसी एक या दो बच्चों को समझ आया होगा उस वक्त पे, अदरवाइज बच्चों को समझ नहीं आता है. एंड वो एक दो जो ऑल इंडिया रैंक निकाले थे, तो मेरा एक फ्रेंड था जिसका ऑल इंडिया रैंक 3rd था, तो हम वी आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, है ना. तो उसका, हम दोनों अलग ही बैठते थे साथ में आगे हमेशा फर्स्ट बेंच पे, तो उसका ऑल इंडिया 3rd रैंक लिखा था. तो हमारी क्लास में उस वक्त सिर्फ उस बच्चे को केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस समझ आया था. तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है. ओके ठीक है, तो जिस तरीके से अभी मेरे को कोमल से आंसर मिले हैं, अगर आप लोगों से सबसे मिले तो मुझे अच्छा लगेगा. तो प्रिपेयर सब इसी तरीके से रहना, इज दैट क्लियर? चलो तो फिर अभी मैं क्लास एंड करती हूँ, अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल. और अभी तक का जो भी मैंने पढ़ाया है पढ़कर आना. मैम अटेंडेंस शीट तो भेज दो. हाँ बेटा बेटा, हाँ बेटे, ये वाले सारे क्वेश्चंस मैं दोबारा तो डेफिनेटली पूछूंगी, है ना, इसीलिए आप पढ़ के आना, टेंशन नहीं, मैं पूछूंगी सबसे. और पूछना जरूरी है, आप लोगों को समझ आया नहीं आया तो, और नहीं आया तो मेरे से पूछ लो, मेरे पूछने से पहले आप लोग मुझसे पूछ लो तो बढ़िया रहेगा. चलो अटेंडेंस शीट शेयर कर दिए, इसे फिल करो और क्लास खत्म करते हैं. ठीक है बच्चा पार्टी, रिकॉर्डेड लेक्चर, रिंकी रिकॉर्डेड लेक्चर देखना, ठीक है, एंड ट्राई स्टार्टिंग से ज्वाइन करो, क्योंकि आपका स्टार्टिंग, मैं कोई भी लेक्चर का ना तभी करवाती हूँ जब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा होता है. कल हमारी वो स्टार्ट होगी बायो, हमारा डार्क रिएक्शन में चाहती तो आज स्टार्ट करवा सकती थी. तो जब भी हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट होता है, तो ध्यान रखिए कि स्टार्टिंग में ज्वाइन कर रहे हैं. ठीक है,